नेता बने भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं चाहते समाजवादी पार्टी की सरकार में जब आदरणीय नेता जी सरकार में आए तो स्टेट यूनिवर्सिटियों में चुनाव बैन थे उनको बहाल करने का काम आदरणीय नेता जी ने किया था और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो जहाँ पर भी छात्र संघ के चुनाव ओपन कराने में समाजवादी पार्टी की जो भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर जिस तरह से आए दिन आप छात्राओं के साथ छेड़खानी जाती है घटनाएं घटित हो जाती है उसको लेकर के लिए उन्होंने एक प्लान तैयार किया है जिस तरह से 10 नंबर की सुविधा और 10 नंबर ऐप एंड्रॉइड फोन में आदरणीय अखिलेश जी ने शुरू की थी उस तरह की योजनाएं आने वाले समय में भी समाजवादी पार्टी शुरू करेगी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मिशन शक्ति लॉन्च किया था लेकिन वो मिशन शक्ति उनका धरातल में विफल साबित हुआ। जनता को उम्मीद समाजवादी पार्टी की सरकार से है, छात्रों को समाजवादी पार्टी की सरकार से उम्मीद है, छात्राओं को समाजवादी पार्टी की सरकार से उम्मीद है और हम लोग छात्र और छात्राओं के बीच प्रति कैंपस हर एक कैंपस में हर एक छात्रावास में जाकर के संवाद करेंगे, उन्हें जोड़ने का प्रयास करेंगे और उनकी जो भी समस्याएं हैं अगर हमारी सरकार करती है उन लोग निदान का पूरा प्रयास। सबसे पहले तो माननीय श्री अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद का आभार जिन्होंने मुझे एक छोटी सी कार्यकर्ता को इतनी बड़ी जिम्मेदारी देकर कि समाज में एक बड़ा संदेश देने का काम किया है कि समाजवादी पार्टी के लिए समाजवादी विचारधारा के लिए जो भी कार्यकर्ता संघर्ष करेगा काम करेगा उसका समाजवादी पार्टी में ऐसा सम्मान था है और चूँकि मुझे एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है उस पर उसके तहत मेरा काम करने का दायरा भी बढ़ा है और आपने जैसा सवाल किया मैं नर्वस कभी नहीं हुई थी बस हाँ काम करने के जो तरीके हैं वो सबके अलग अलग होते हैं मेरा भी थोड़ा अलग था। अब जो हमारा काम करने का तरीका होगा तो संगठन के अनुरूप होगा संगठन की दिशा निर्देश में होगा। जो पहले हम लोगों का रोड मैप प्लान हुआ है वो ये है कि हम प्रत्येक यूनिवर्सिटी प्रत्येक महाविद्यालयों में और हर हॉस्टल तक जाकर के कैंपेन चलाने का काम करेंगे, समाजवादी छात्रसभा से छात्र छात्राओं को जोड़ने का काम करेंगे, जो भी प्रतियोगी छात्र हैं उनके बीच जाएंगे उनकी समस्याओं को जानेंगे उनकी लड़ाई लड़ेंगे, रोजगार की जो समस्या उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा है उसको लेकर के जो सवाल खड़े हो रहे हैं उनको लेकर के भी हम लोग एक संगठित बैठक करने वाले हैं कुछ ही दिनों में और एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने वाले हैं। तो इसी तरह की समस्याओं की जो छात्रों की समस्या है उनको जानेंगे उनके भी संवाद करेंगे और उनका निदान करने का प्रयास करेंगे।